हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ फैशन मिस्टेक्स, हो सकता है ये आप भी करते हो और अपनी अपीयरेंस को आप खराब कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है। तो देखते हैं ये मिस्टेक्स कौन सी। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो माय टिप नंबर फर्स्ट इज, अगर आप अपने लिए बैग का सिलेक्शन कर रहे हो तो आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपके जो बैग है वो न्यूट्रल, पेस्टल, इस तरह से ब्लैक, ब्राउन या बेज कलर में हो, क्योंकि आपकी हर एक आउटफिट में आप इन्हें कैरी कर सकते हैं। और इस बात का भी जरूर से जरूर ध्यान दें कि आपके बैग में ना कोई भी एलवी और गुच्ची का फेक लोगो ना बना हो। एंड माय टिप नंबर सेकंड इस टाइप के ब्रेसलेट या स्क्रंचीज को आप इस तरह से अपने हाथों में पहन लेते हैं और आपको लगता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कूल लग रहे हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, बिल्कुल भी कूल नहीं लगता। ये मुझे थोड़ा सा टैकी सा लगता है, बिल्कुल भी एलिगेंट नहीं लगता है। और इस तरह के कलरफुल पोनीटेल्स को अपने बालों को टक करने के लिए भी बिल्कुल भी यूज़ ना करें। एंड माई टिप नंबर थर्ड इज़ अबाउट नेल्स। और अक्सर अगर हम क्या करते हैं, अपने नेल्स को इग्नोर कर देते हैं, या हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस तरह से कोई भी बेज या पिंक कलर की नेल पेंट्स रख सकती हैं अपने साथ। मुझे ये स्काई टाइप का कलर बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे अभी अपने कलेक्शन में ऐड किया। इसके अलावा आप फॉल्स नेल्स भी यूज़ कर सकते हैं किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, क्योंकि आप नेल आर्ट कराने जाएंगे तो उसमें तो बहुत ही खर्चा होने वाला है आपको, 1500-1300 समथिंग के पड़ते, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसे बहुत बार यूज़ भी कर सकते हैं। एंड टिप नंबर फोर इज़ अबाउट मेकअप। मेकअप करते टाइम में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो देखते हैं वो गलतियां कौन कौन सी है। तो पहली है लाइनर और काजल बहुत ज़्यादा लगाना या बहुत डार्क लगाना और हर एक ओकेजन में लगाना, तो आपको इस मिस्टेक को बिल्कुल भी अवॉइड करनी, बिल्कुल भी एलिगेंट नहीं लगता है। एंड फाउंडेशन लगाते टाइम हम क्या करते हैं ना, गलत शेड ले लेते हैं, जिसके कारण हमारी नेक और फेस जो है वो अलग अलग कलर की दिखाई देती। तो इस तरह आप दो फाउंडेशन को आपस में मिक्स करके अपना एक परफेक्ट शेड बना सकते हैं। मैंने यहाँ लिया एक डार्क कलर का फाउंडेशन और एक वाइट कलर का शेड का फाउंडेशन, और अब मैं इन दोनों को मिक्स करके अपना शेड बना रही हूँ। मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा न्यूट्रल येलो कॉम्प्लेक्शन है, तो ये देखिए ये मेरा बन गया फाउंडेशन का परफेक्ट शेड। तो अब बात करते हैं हम लिपस्टिक के शेड की। तो हर एक कॉम्प्लेक्शन का एक अलग लिपस्टिक शेड होता है और इसे चूज़ करने में अक्सर मिस्टेक करते हैं। अगर आपकी स्किन फेयर है तो आप न्यूड्स और पिंक कलर ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डीप है तो आप ब्राउन्स और डार्क कलर लें। और अब बात करें हैं ज्वेलरीज की। तो अगर आप इस तरह से सिल्वर ज्वेलरी कैरी कर रहे हैं तो इसमें आप कोई भी गोल्डन वॉच या ब्रेसलेट कैरी ना करें, इस तरह गोल्डन सिल्वर का मिसमैच ना करें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप पर। तो नेक्स्ट टिप ये है कि आप अगर शर्ट्स या अपने कुर्ते पहन रहे हो तो मेक श्योर कि वो अच्छे से आयरन किए हुए हो, उसमें कहीं भी सिलवट ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ही बेकार दिखाई देता है। और आपके कलेक्शन में ब्राउन और बेज तो होना ही चाहिए। और अब नेक्स्ट टिप है मेरी शूज़ के बारे में। उसके बारे में आपको यही कहूँगी कि आपके शूज़ क्लीन होना चाहिए और इस तरह के कलर का सिलेक्शन करके आप हर एक आउटफिट में इसे कैरी कर सके। और इस टाइप के शूज़ आपको लगता है कि आप फॉर्मल के साथ साथ आप ट्रेडिशनल में भी पहन सकते, तो नहीं, आप फॉर्मल में पहने और ट्रेडिशनल के लिए आप इस तरह की जूती कैरी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यही थी कुछ फैशन मिस्टेक, हो सकता है आप करते हो तो इसे अवॉइड करें। आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।